गाइस वेलकम बैक। आज कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लड़कियों को। जब पीरियड आते हैं, मतलब जैसे ये पीरियड का ब्लड है, तो हमें लगता है कि कितना ब्लड लॉस हो गया है, जरा वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या आपको लगता है इतना ब्लड लॉस हुआ है? इतना पता है मुझे क्या लगता है, इतना ब्लड लॉस हुआ है मेरा। अरे भाई रोक जा। गाइस थैंक यू बाबू, ये पीरियड का ब्लड था। ओके oh, no. okay, ये कलर्ड वाटर था, सॉरी मजाक कर रहा था, फ्रैंक हो गया। मैंने तुम्हें बुलाया था तो मेरे शूट में आओ, क्यों आए भाई? इतना ब्लड निकलता है? अरे रोजा लग रहा है मुझे तो। ये कलर्ड वाटर है, देखो यहाँ पे कलर है ना, मैंने ये कलर मिला के बनाया था। दिखा रही हूँ कि हमारे पीरियड में कितना ब्लड लॉस होता है। चलते, शूट पे आने की जरूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। इनका चैनल है मिस्टर मिसेस प्रिंस, जाके सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मुझे लगता है कि पीरियड में मेरा कम से कम इतना ब्लड लॉस तो होता ही है। मैं आपके बहुत सारे मिथ को तोड़ने वाली हूँ, प्लस मैंने बहुत सारे पैड्स मंगवाए हैं। ये आज की वीडियो एक्सपेरिमेंटल वीडियो होने वाली है, जहाँ मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ कि कौन पैड सबसे ज्यादा ब्लड एब्जॉर्ब कर पाता है। इसके लिए मैंने 10 पैड्स मंगवाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं, यहां स्टे फ्री सिक्योर एक्स्ट्रा लार्ज अल्ट्रा थिन, ये 40 रुपीस का है, जो 90 रुपीस का है। एंड देन यहाँ मंगवाया है स्टे फ्री ड्राई मैक्स, जो 90 रुपीस का आता है। आप लोग कौन सा यूज करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप या फिर टेम्पॉन। एंड देन विस्पर का मैंने 40 रुपीस का ये मंगाया है, जो कि है ये 83 रुपीस का है। नेक्स्ट है विस्पर का अल्ट्रा सॉफ्ट एयर फ्रेश, जो कि 69 रुपीस का है। नेक्स्ट विस्पर का है बिंदास नाइट। नेक्स्ट सोफी का मंगाया है पैंटी लाइनर। पैंटी लाइनर पीरियड्स में यूज करने के लिए नहीं, पर पीरियड्स के लास्ट डे में आप यूज कर सकते हो, तो ये भी ट्राई कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे है सोफी का, और ये 39 रुपीस का है। एंड यहाँ पे सोफी का एक और मंगाया है, जो कि 78 रुपीस का है। और ये है, तीन पैड्स लिखे हैं इसके ऊपर, तीन पैड्स पता नहीं कभी मैंने यूज नहीं किया, तो ये भी हम टेस्ट करेंगे। सो मैं अब एक एक पैड को खोल करके डिस्प्ले करती हूँ, और उसके ऊपर हम ट्रांसफर करेंगे हमारे पीरियड का ब्लड, जैसा ये दिख रहा रुकुअब्जा कम कलर्ड वाटर। सब में क्यूट पैकेजिंग है, पैंटी लाइनर है ये काफ़ी ज़्यादा थिक है सोफी का। जितने भी खिचपिच शोर आ रहा है, ये प्रिंसेस कर रही है। सो इसके अंदर सिर्फ तीन पैड्स हैं, और काफ़ी मोटे हैं, हैवी हैं। पता नहीं इसको यूज़ करने के बाद कितना ज़्यादा हैवी सा लगता होगा, मोटा मोटा अनकम्फर्टेबल, मतलब थिन वाले का पता नहीं चलता है उतना कि कुछ कैरी किया है। बट कंपेयर टू जितने भी पैड्स अभी मैंने ओपन किए हैं, सोफी वाले सारे काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, हैवी हैं। मैंने सारे पैड्स यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं। 10 पैड्स हैं मेरे पास, जिनमें से एक पैंटी लाइनर है, एक मेंस्ट्रुअल कप भी है, अगर आप मेंस्ट्रुअल कप लेते होंगे मेरी वीडियोस को देखने के बाद। एंड यहाँ पे मेरे पास एक टैम्पॉन भी है। सो अगर आप पहली बार टैम्पॉन को देख रहे हैं, सो ये कुछ ऐसा सा दिखता है। कुछ टैम्पॉन इस एप्लीकेटर के साथ आते हैं, कुछ टैम्पॉन इस एप्लीकेटर के बिना भी आते हैं। यहाँ से पुश करना होता है, यहाँ से ऐसे पुश करेंगे वजाइना के अंदर, और ये टैम्पॉन अंदर घुस जाता है एकदम वजाइना में, ठीक है। फिर उसके बाद जितना भी यहाँ से, अगर ये आपकी वजाइना है, यहाँ आपने टैम्पॉन डाल दिया है, यहाँ से जितनी भी ब्लीडिंग होगी इसके अंदर कलेक्ट होता है और ये फैल जाता है। ये भी आपको डेमो में दिखाऊंगी। अब मैं सारे पैड्स को खोल करके ओपन करके यहाँ पे स्टिक करती हूँ, और इसके ऊपर हम डालेंगे पीरियड्स का ब्लड, जो एक्चुअली में ब्लड नहीं है, वो एक्चुअल में कलर्ड वाटर होगा। सो यहाँ पर डिस्प्ले करती हूँ मैं। सो इसका इधर है, इसका इधर, इसका इधर। वाओ गाइस, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा पैड। यार इसमें तो बड़ा डिजाइन बना हुआ है, बड़े फूल छपे हुए हैं। वाह वाह, यहाँ तो कबूतर भी उड़ रहे हैं। कबूतर या कौवा मुझे नहीं पता, कबूतर कौवा कुछ उड़ रहा है। यहाँ चांद सितारे निकले हुए हैं, यहाँ नदी सी बह रही है। डिजाइन क्या डिटेल वर्क किया हुआ है यार, और ऑलमोस्ट विस्पर के सारे पैड्स में अंदर डिटेल वर्क किया हुआ है। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है। ये सोफी का बॉडी फिट ओवरनाइट, ये वाला बहुत लॉन्ग है, बहुत थिक है भाई। ये तो इतना लंबा है, कहाँ कैसे चिपकाऊं मैं इसको। ओके यहाँ लगा देते हैं। हाँ देखो, पैड इतना बड़ा है, और पैंटी लाइनर देखो कितनी छोटी है,
और ये भी सोफी की है. कैन यू सी द डिफरेंस? सो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर दिया. ये पूरी लाइन ये स्टेफरी की है, ये पूरी लाइन विस्पर की है. जगह कम पड़ रही थी तो विस्पर का एक वहां लगाना पड़ा. एंड देन ये तीनों सोफी के हैं, ये तीनों. और उनमें से सबसे बड़ा, अगर मैं दूर से बताऊं, सबसे बड़ा पैड और सब देखने में सबसे ज्यादा खूबसूरत पैड कौन सा है, तो बड़ा वो देखो, वो सोफी का पैड है जो कि सबसे बड़ा है. सो आगे बढ़ने से पहले आपके पीरियड से रिलेटेड कुछ डाउट होंगे उसको मैं क्लियर कर देती हूँ. बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि पीरियड्स कितने दिनों के एक्चुअल एवरेज होने चाहिए. तो एवरेज पीरियड अगर 2 से 7 दिन का है तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है. 7 दिन से ज्यादा होता है, मतलब कभी आपका पीरियड 15-20 दिन या 1 महीना हो गया, ऐसा कभी कभी किसी के साथ हो सकता है, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, ये नॉर्मल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको कितनी बार पैड चेंज करना चाहिए. सो एवरेज हर 4 से 5 घंटे बाद आपको पैड चेंज करते रहना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अपने एग को जो हर महीने पीरियड में बह जाता है, क्या आप अपने एग को पीरियड के अंदर देख सकते हैं, पीरियड ब्लड के अंदर देख सकते हैं? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ. एग इतना छोटा होता है कि इसको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, पॉसिबल नहीं हो. नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितना ब्लड लॉस करते हैं हम पीरियड्स के दिनों में. तो हमेशा ऐसा लगता है कि पीरियड के दिनों में इतना ज्यादा ब्लड निकल जाता है. मेरे को तो पहले लगता था कि 1 ग्लास खून निकल जाता है, लेकिन अब नहीं लगता, क्योंकि आई नो द रियलिटी. एवरेज बात करें, ये सबके साथ नहीं है, एवरेज बात करें तो 10 ml से लेकर के 60 ml तक का ब्लड पूरे पीरियड्स में आपका निकलता है. और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो 80 ml लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता. और उससे ज़्यादा हो तो ये दिक्कत की बात है, आपको अपने डॉक्टर को विजिट ज़रूर करना चाहिए. चलो तो ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पीरियड्स, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे. मैंने सोचा सम अप करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. अब टेस्ट करते हैं कि कौन सा वाला पैड ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो कैपेसिटी कितनी है, लेट्स ट्राई. ये एक मेजरिंग कप है, इसके अंदर मैं डाल के दिखाती हूँ कि एक्चुअल में 60 ml ब्लड कितना होता है जो एवरेज औरतों का निकलता है एक बार के पीरियड में. ये एग्जैक्ट है 60 ml, इतना पीरियड का ब्लड. ये पीरियड ब्लड नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये पानी के अंदर कलर ऐड किया हुआ है, ठीक है. सो रेड कलर ऐड किया है ताकि ज़्यादा रिलेटेबल लगे. इतना ब्लड लॉस करती है हम लोग, बट फील नहीं होता ना, फील होता है कि इससे ज़्यादा होता है, मतलब पूरा ग्लास भर के होता है. कितनी लड़कियाँ मेरे से रिलेट करती है ये बताओ, ठीक है. लेकिन अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो आपको दिखता है कि कितना लॉस होता है. इसके अंदर भी लिखा हुआ है 25 ml तक ये होल्ड कर सकता है, और एक दिन में एवरेज देखा जाए तो 2-3 चम्मच से ज़्यादा नहीं होता है आपका ब्लड लॉस. सो 2-3 चम्मच इसमें डाल के ही देखते हैं. देखो ये 1, 2, 3 एवरेज इतना निकलता है. और मेंस्ट्रुअल कप आपको दिन में सिर्फ 2 बार चेंज करना, मैं हर 12 घंटे बाद आप अपने वजाना से निकालो, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा. ऐसे वजाना से निकालो, सिंक में डाल दो, नॉर्मल पानी से धो लो, फिर इंसर्ट कर लो. कितना आसान है ना इसको यूज़ करना. अब देखते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ब्लड होल्ड कर सकता है 12 घंटे का. अब देखते हैं कि ये टैम्पॉन कितना ब्लड होल्ड कर सकता है, ठीक है. इसको कम कर देते हैं, 10 ml ब्लड इसके अंदर डाला है मैंने. ये कैरी कर सकता है 25 ml, ठीक है. और ये इसमें डाला है फिलहाल मैंने 10 ml. लेट्स सी ये पूरा सोक कर पाते हैं. ये देखो कैसे कैसे ये फूलता जा रहा है. ओह वाओ, इसे पूरा 10 ml का ब्लड एब्जॉर्ब कर लिया है. मैं 10 ml और डालती हूँ. तो टोटल अब ये 30 ml हो गया है, तो लेट्स सी क्या ये अब एब्जॉर्ब कर पाएगा. ऑन एवरेज एक टैम्पॉन 25 ml ब्लड सोख लेता है, लेकिन हर 4 घंटे बाद टैम्पॉन चेंज करना होता है, और 4 घंटे के अंदर 25 ml ब्लड लॉस नहीं होता है. अब टेस्ट करते हैं पैड्स को. तो यहाँ मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं 9 पैड्स, एक पैंटी लाइनर, और ये रही प्रिंसेस डिस्टर्ब करती हुई, भागती हुई, शोर मचाती हुई. प्रिंसेस, प्रिंसेस, यस 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 यस, आप मुझे शूट करने दोगे क्या? नहीं, नहीं करने देगी. तब से मेरी कभी ये मेरी ड्रेस फाड़ रही है, कभी मुझे काट रही है, कभी भौंक रही है. ये लड़की बहुत पागल है, पागल है, पागल है. बस भी करो यार, बस भी करो. मम्मी कहाँ चढ़ गई है? मम्मी के पास आना है. नहीं. गाइस ये मेंस्ट्रुअल कप में मेजर किया हुआ है 15 ml. 15 ml पहले डालते हैं यहाँ पे. वाओ, डालते ही इसने लिक्विड को जेल में कन्वर्ट कर दिया, देख रहे हो? सही है. सो ये वाला था स्टे फ्री वाला.
फर्स्ट 40 रुपीज वाला। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ 15 ml। एक ही जगह पे ये एब्जॉर्ब हुआ है, पूरे इधर पे फैला नहीं है स्टे फ्री वाले में। नेक्स्ट स्टे फ्री ड्राई मैक्स के अंदर डालते हैं 15 ml। मैंने बहुत ज़्यादा एक ही जगह डाला पर विंग्स में भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, यहीं पे लॉक हो गया है इतनी सी जगह पे, पूरे इसमें फैला नहीं है, ये सही लग रहा है। अब विस्पर वाले में डालते हैं। ओह नो, यहाँ देखो कैसे विंग्स में भी ये ट्रांसफ़र हो गया, फैल गया पूरे इसमें, ये फैल गया पूरी जगह पे फैल गया। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि ये विंग्स में चला गया, तो ये आपकी पैंटी के जो कॉर्नर्स होंगे ना वहाँ जाने के चांसेस हो सकते हैं विस्पर में। नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाला विस्पर है, ये वाला चलो वहाँ पे विंग्स में तो नहीं गया। ये बहुत जल्दी देखो कैसे 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 फटाफट से ये लिक्विड और जेल में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट ये वाला है विस्पर का, मैं एक ही जगह पे सबको डाल रही हूँ और देख रही हूँ कितना फैल रहे हैं या एक ही जगह पे जेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये भी नहीं फैला, एक ही जगह पे कन्वर्ट हो गया है, सही है। ये डिफरेंट है ना, इसके अंदर देखो यहाँ पे फूल बने हुए, फूल का वो क्या बोलेंगे इसको, नेट वाला डिज़ाइन दे रखा है यहाँ पे। ये भी अच्छा, ये भी सही लगा मुझे। नेक्स्ट है ये विस्पर का विंदास नाइट, लेट्स सी ये सिर्फ देखने में है या फिर वाकई में अच्छा है। अच्छा है ये, नहीं नहीं फैला, थोड़ा सा यहाँ पे विंग्स के कॉर्नर में आया है बट ठीक है, बहुत बहुत ही जल्दी फटाफट ये ट्रांसफर हो रहा है जल में। नेक्स्ट सोफी वाला है, ये वाला सोफी बॉडी फिट ओवरनाइट, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए तो बिल्कुल यहाँ तक भी नहीं आया, एजेस पे भी नहीं आया, इतनी सी जगह में ही लॉक होके रह गया, इसीलिए यहाँ पे बैरिगेट्स बनाए हुए हैं कि बाहर ना जा पाए। मुझे बहुत सही लग रहा है, सोफी का काफ़ी अच्छा है, एक तो बड़ा है लंबा चौड़ा है बट यहाँ ये मोटा है, ये एक ड्रॉबैक हो सकता है और ये पहनने के बाद पता चलेगा फिर। नेक्स्ट ये है सोफी का बॉडी फिट, ये भी बहुत अच्छा है, एजेस पे भी नहीं आया, यहाँ तक एजेस पे भी नहीं आया और यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब आगे अगर आप बैठे हो तो यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रांसफर होगा आपका ब्लड, पीछे नहीं जाएगा ट्रैवल करता हुआ। ब्लड के लिए नहीं है ये, वाइट डिस्चार्ज के लिए होता है बट फिर भी टेस्ट कर ही लेते हैं थोड़ा सा। नॉट बैड नॉट बैड, उतना बुरा भी नहीं है, कर लिया इसने फिर भी सोक। गाइस अब मैं क्या करने वाली हूँ, इनका ड्राई टेस्ट करेंगे कि ये कितनी देर तक ड्राई रह सकते हैं। अब ये जैसे आपका वल्वा वाला एरिया है जिसे लड़की अक्सर वजाइना बुलाती हैं, वो वेट होता है या नहीं आपके पैर से, मतलब ये इसने कितना अच्छे से ड्राई किया है, तो देखो। ओ वाओ, इसने तो बहुत अच्छे से ड्राई कर दिया, देखो बिल्कुल इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ। फर्स्ट वाला देखते हैं, इसने भी बहुत अच्छे से ड्राई किया है। थर्ड वाला, गाइस सबके नाम इधर ही हैं अगर आपको रेफरेंस देखना है तो। सो स्टेफ्री के जितने भी पैड्स हैं 15 ml वाटर या ब्लड बोल सकते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया, देखो सूखा है बेबी। विस्पर को टेस्ट करते हैं अब, यहाँ देखते हैं। ओके थोड़ा सा लगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं लगा। ओके ये फेल होता है विस्पर का, ये सॉफ्टनेस एयर फ्रेश 69 rupees का जो आ रहा है ये एकदम पूरी तरीके से फेल हुआ, ये बुरी तरीके से। अब मैं दूसरे साइड से टेस्ट करती हूँ विस्पर का दूसरा वाला, ये बुरी तरीके से फेल हो रहा है विस्पर यहाँ पे। नेक्स्ट हम चेक करते हैं विस्पर को, यहाँ पे फेल फेल हो गया। अब सोफी का टेस्ट करते हैं, हल्का सा ट्रांसफ़र हुआ है लेकिन अगर मैं इस पर ज़रा सा प्रेशर बनाऊँगी तो काफ़ी आ जा रहा है, मतलब ट्रांसफ़र तो हो ही रही है। एंड नाउ सोफी का ये वाला फेल, एंड नाउ पैंटी लाइनर जो कि ऑफकोर्स फेल होगा क्योंकि ये पीरियड्स के लिए नहीं है, फेल बट ठीक है, ये तो इस टेस्ट में एलिजिबल है ही नहीं कैंडिडेट। सो गाइस एक बार फिर से मैं स्टेफी का टेस्ट कर लेती हूँ, मैं इस बार थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करके देखूँगी, मैंने बहुत ज़्यादा प्रेस किया है, कुछ नहीं निकला कुछ नहीं निकला, मैंने बहुत ही बुरी तरीके से प्रेस किया है, ये देखो ये देखो
स्टे फ्री पास होता है, पूरी तरीके से पास होता है स्टे फ्री। ऑसम, फैबुलस, फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का है स्टे फ्री। सो गाइस, टेस्ट कंप्लीट हो गया है, बारी आई रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स आप खुद ही जान चुके हैं कि स्टे फ्री के मैंने तीन पैड्स यहाँ पे, तीन वैरायटी के पैड्स चेक किए और ये पूरी तरीके से पास होता है, मतलब क्लियर विनर है, जरा सा भी इसके अंदर वेटनेस ट्रांसफर नहीं हुआ है। प्राइस की बात करें तो हाँ, ये बाकी सारे पैड से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लाइक ये 40 रुपए का है जो कि सस्ता है, लेकिन इसमें क्वांटिटी कम है फर्स्ट वाले में। सेकंड, ये दोनों 90 रुपीज के हैं और 7 पैड्स आ रहे हैं। ये वाला काफी सस्ता है, 40 रुपए का है, 6 पैड्स है इसके अंदर, बहुत अच्छा है, बिल्कुल कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, ठीक है। बाकी के जो लॉन्ग है, एक्स्ट्रा लॉन्ग, वो आपको 90 रुपए के पड़ेंगे, बट बहुत अच्छे हैं। अगर आप पैड यूज करना चाहते हो तो स्टे फ्री वाला बहुत अच्छा है। अगर आप विस्पर यूज करने के बारे में सोच रहे हो तो इस टेस्ट में तो विस्पर पूरी और बुरी तरीके से फेल हुआ है। ऑल दो विस्पर थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है आपको, ये 50 रुपए का है, ये ऑलमोस्ट 70, ये 80 रुपए का है, स्टे फ्री से सस्ता है, लेकिन ड्राइनेस टेस्ट में ये पूरी तरीके से फेल हो गया, बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है ये एकदम, बिल्कुल मैं रेकमेंड नहीं करूँगी आपको लेने के लिए। एंड देन अगर सोफ़ी की बात की जाए तो सोफ़ी भी ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब ड्राइनेस टेस्ट में तो सोफ़ी भी फेल है। अगर मैं ये थोड़ा ज़्यादा प्रेस करूँगी तो ये देखो इतना ज़्यादा निकला है वेटनेस उसमें से, वही अगर मैं इसको प्रेस करती हूँ तो कुछ नहीं निकल रहा है। सो सोफ़ी भी फेल है। स्टे फ्री ऑल्दो पास हो गया है, लेकिन पैड्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं उतना ज़्यादा, तो इको फ्रेंडली अगर आप पैड लेना चाहते हो तो वो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगेन वो महंगे आते हैं। सो ऐसे में आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप सस्ता है, मतलब आपको ये एक लेना है और सालों साल चलता है और दिन में सिर्फ एक बार चेंज करना है। कई लड़कियां ये यूज़ करने के बाद भूल ही जाती हैं कि उनके पीरियड्स आ चुके हैं, तो बेस्ट तो हमेशा से मेंस्ट्रुअल कप ही रहा है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मैं कई बार बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हो। सो आप बताओ आपको ये वाला इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, मुझे कॉमेंट करके बताना। क्या आपको ये सारी चीज़ें पता थी, क्या आपने ये टेस्ट कभी किया था, या आप इनमें से कौन सा पैड यूज़ करते हो, आपको बेस्ट पैड कौन सा लगता है, या आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहते हो, जो भी है आप मुझे कमेंट करके शेयर करो अपनी बातों को। आपका नाम मैं फ्लैश करूंगी आपकी आईडी के साथ वीडियो को एंड में। मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस मेरा ब्लॉग चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइज़।